आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना जंक्शन पे। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व कुछ ही दिनों में छठ महापर्व है, और ऐसे में जो लोग बिहार से दूसरे स्टेट में रहते हैं सभी लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने घरों पे, अपने अपने घर की ओर पहुंच रहे हैं छठ महापर्व मनाने के लिए। आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से ट्रेनों में लगातार लोगों की भीड़ आ रही है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे बातें भी करेंगे। कहाँ से आ रही है आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रही है? हाँ जी। अच्छा, कितना भीड़ था ट्रेन में? बहुत ज़्यादा भीड़ था। सीट मिला या नहीं? नहीं, सीट तो मिल गया था। सीट मिला था, टिकट हुआ था? हाँ, टिकट भी हुआ था। उसके बाद ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ज़्यादा भीड़ था चढ़ने में। छठ पूजा मनाने आई? हाँ, छठ पूजा करने आए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे। भैया, ट्रेन में क्या भीड़ क्या था, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो दिल्ली से आ रहे हैं। मतलब भीड़ था, नॉर्मल था, ठीक था भीड़। सीट हमारी कंफर्म सीट थी तो हमें मिल गई, हमें कोई प्रॉब्लम। कंफर्म सीट था तो मिली है। हाँ, काफ़ी ट्रेन में भीड़ थी। हाँ, वेटिंग वाले ज़्यादा रहते हैं ना, तो क्या करें, सबको तो मनाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से? क्या ट्रेन में क्या भीड़ क्या था? भीड़ तो था जब हमारे से टिकट बना हुआ था, इसलिए हम सही से आए। टिकट था तो मतलब सुरक्षित था? हाँ, सुरक्षित था। अच्छा, केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेनें भी चलाई गई है? नहीं, सही था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा, क्या छठ पूजा करने आए हैं? हाँ, छठ पूजा करने। आप कहाँ से आ रही हैं? नई दिल्ली से ही आ रही हूँ। क्या ट्रेन में भीड़ कितना था? वेटिंग में तो होता ही है ना भीड़। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बातें करिए। इधर आइए, कहाँ से आ रहे? इधर इधर आइए, भागिए। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। क्या दिल्ली से आ रहे हैं? टिकट हुआ था ट्रेन में? सीट मिला? हाँ, सीट नहीं मिला था। सीट नहीं मिला था? नहीं मिला था। ट्रेन में कितना भीड़ था? बहुत भीड़ था। क्या मतलब छठ पूजा मनाने आए हैं? नहीं, आया है। आप बताइए क्या करना है? छठ पूजा मनाने के लिए। छठ पूजा मनाने के लिए आए हैं? हाँ। दिल्ली रहते हैं? हाँ, दिल्ली रहते हैं। कितना भीड़ था ट्रेन में? भीड़ तो था, बहुत ही भीड़ था, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, कितना परेशानी हो रहा है? परेशान आने जाने, परेशान तो सीट नहीं मिलता, परेशान तो रहेगी। अच्छा, छठ पूजा को लेकर इतना भीड़ ट्रेन में, यह हमेशा रहता है? विनोद। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बातें करेंगे। आपको बता दें कि लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ है। आपको बता दें कि मगध एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलकर अभी पटना पहुंची थी और पटना से अभी वो इस्लामपुर के लिए निकल गई, और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर पहुंचे थे। कहां से आ रहे आप लोग? कहां से आ रहे? जमुई से। बोलिए। जमुई से आ रहे? हाँ। कितना ट्रेन में भीड़ क्या है? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ जी सर। दिक्कत हो रहा है? हाँ, दिक्कत हो रहा है बहुत। काफ़ी भीड़ था? हाँ, काफ़ी भीड़ था। क्या मतलब छठ पूजा मनाने आए हैं? हाँ जी। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से छठ पूजा मनाने के लिए। कितना भीड़ था ट्रेन? बहुत भीड़ था, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कत। कितना परेशानी हुआ भीड़ का? परेशानी हुआ है, बाथरूम का गंध है सारा। बाथरूम भी सब गंदा था? हाँ। अभी आपने देखा, आप बताइए कहाँ से आ रहे? दिल्ली से आ रहा भाई। दिल्ली से? क्या हाँ। मतलब छठ पूजा मनाने आए? हाँ, छठ पूजा मनाने। कितना ट्रेन में भीड़ क्या? ट्रेन में बुरी हाल है, न बाथरूम में पानी है, न कुछ है, न पेशाब करने जाने का रास्ता है, कुछ नहीं। इतनी बुरी हाल है, इतना सड़क दे रखे भी है, फिर भी वहाँ प्रसाद नहीं है। जो टीटी पकड़ता है कहता फलां जगह ठीक है, दूसरा को पकड़ता है तो फाइन लेता है जी। ट्रेन में मतलब बाथरूम उथरूम का भी व्यवस्था नहीं? पूरी एकदम भसूरी, एकदम पानी था नहीं, एकदम इतनी गंदगी अंदर भरा हुआ सारा पब्लिक, उसमें बोरे पर बोरे, बच्चे पर बच्चे लेकर हैं, क्या करेगा? छठ पूजा मनाने आए? हाँ, छठ पूजा मनाने। चलिए, तो अभी आपने देखा काफ़ी संख्या में जो मगध एक्सप्रेस से उससे लोग दिल्ली से चलकर जो ट्रेन पटना आती है और पटना से अभी वो इस्लामपुर के लिए निकली है, काफ़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ यहाँ पर पहुँची है। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व कुछ ही दिनों में छठ पूजा होने वाला है, उसी को लेकर जो यात्री हैं जो बिहार से बाहर कई जगहों पर रहते हैं तो सभी लोग अपने अपने घर को पहुंच रहे हैं, और इसी को लेकर जो ट्रेन में काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही हो। और वहीं आपको बता दें कई ऐसे भी यात्री हैं जिनका शिकायत है कि ट्रेन में काफ़ी भीड़ है और कहीं कुछ ट्रेन में बाथरूम उथरूम की भी सुविधा नहीं है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।